हमारे पास लॉरेंस विश्नोई ग्रुप से एक मैसेज आया व्हाट्सएप ग्रुप में, जिसमें हमें धमकी दी जा रही है कि अभिनव को मार दिया जाएगा, घर के बाहर हल्ला हो रहा है, जान से मारने की धमकियां दी जा रही है, हम कब तक बर्दाश्त करेंगे। अभिनव अरोड़ा यूं तो पिछले 1-1.5 साल से ज्यादा एक्टिव हैं, लेकिन खबरों के एक्टिव रूटीन में पिछले 3-4 महीने में ही आए हैं। कभी रटी रटाई स्क्रिप्ट, हर इंटरव्यू में बोलने का आरोप लगा। इस सृष्टि के कड़कड़ में प्रभु है, उनको कहने दो, उनका काम है कहना। फोन इस्तेमाल करते हैं आप? नहीं। तो कभी पिता पर आरोप लगा कि वो अभिनव का इस्तेमाल कर सिर्फ पैसा कमा रहे हैं। तो किसी ने धर्म के नाम पर धोखाधड़ी के आरोप लगा दिए। अभिनव भी कभी पुलिस कंप्लेंट करने गए, कभी यूट्यूबर्स को कोर्ट घसीट डाला। अब अभिनव के परिवार का दावा है कि अभिनव को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकी मिली है। माँ का दावा है कि उन्हें लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से एक मैसेज आया, जिसमें उन्होंने कहा कि वो अभिनव को जान से मार देंगे। सिर्फ एक नहीं, अभिनव की माँ ने कहा कि कई सारे ऐसे धमकी भरे कॉल्स उन्हें आ रहे हैं। अभिनव सिर्फ भक्ति कर रहा है, ऐसा कुछ गलत नहीं किया। 3:30-4 बजे के करीब हमारे पास लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप से एक मैसेज आया व्हाट्सएप ग्रुप में, जिसमें हमें धमकी दी जा रही है कि अभिनव को मार दिया जाएगा। इसकी मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री और बताऊंगी। कल रात को हमारे पास एक कॉल आया 8 बजे, जो मैं पिक नहीं कर पाई, क्योंकि दिन में इतने सारे कॉल्स आते हैं कि हम हर कॉल को पिक नहीं कर पाते हैं। तो जब कॉल आया, हम पिक नहीं कर पाए उस कॉल को। आज उसी नंबर से, जिस नंबर से मैंने पिक नहीं किया था, उसी नंबर से 3:30-4 बजे के करीब एक मैसेज आता है, और मैसेज में सिंपली सिर्फ एक ही मैसेज दे रहे हैं वो हमें कि अभिनव को वो जान से मार देंगे। यूं तो अभिनव ट्रोलिंग का जवाब अक्सर ऐसे देते नजर आए कि लोगों का काम है कहना, मेरा काम है भक्ति करना, हम भक्ति करते रहेंगे। उनको कहने दो, उनका काम है कहना, उनको कहने दो, मेरा काम है भक्ति करना, मेरे को भक्ति करने दो। लेकिन जब से यूट्यूबर्स विवाद हुआ, फिर जगत गुरु रामभद्राचार्य से जुड़ा विवाद हुआ, तब से अभिनव उस टोन में आ गए कि हम अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। लॉरेंस बिश्नोई से मिली धमकी पर भी अभिनव के ऐसे ही वक्तव्य दिखे। अभिनव ने कहा कि मैं कोर्ट जाना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे न्याय के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। हर बात में कहानी सुनाने वाले अभिनव ने यहाँ भी एक कहानी सुना दी। घर के बाहर हल्ला हो रहा है, जान से मारने की धमकियां दी जा रही है, हम कब तक बर्दाश्त करेंगे। चाहता नहीं था कोर्ट जाना, लेकिन फिर भी मुझे जाना ही पड़ा। मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। राम जी का उद्देश्य नहीं था खरदूषण का वध करना, लेकिन खरदूषण ने इतना उत्पात मचा दिया था कि राम जी को न्याय के लिए आगे बढ़ना ही पड़ा। वैसे ही हम कब तक बर्दाश्त करेंगे। जब तक ये मोटा तोता होते थे, तब तक हम बर्दाश्त कर देते थे, लेकिन अब मेरी भक्ति की आ गई है, मेरी भक्ति को नकली कहा जा रहा है। यूं तो इस 10 साल के लड़के को धर्मगुरु या संत कहकर पुकारा गया, लेकिन विवादों के बाद दिए बयान में अभिनव ने कहा कि कृपया मुझे ये उपाधि ना दें, इस नाम से ना पुकारें, मैं तो अभी धर्म को सीखने के प्रयास में हूँ, सिर्फ भक्त हूँ, तीर्थों के दर्शन करता हूँ, ज्ञानी संतों से मिलता हूँ, उनसे सीखता हूँ, सनातन धर्म का प्रचार करना चाहता हूँ। इंस्टाग्राम पर 9.5 लाख फॉलोइंग रखते हैं अभिनव। अब आप उन्हें धर्म से जुड़े या इन्फ्लुएंसर कहें, ये आप पर है। अभिनव कहते हैं कि वो फोन नहीं चलाते। फोन इस्तेमाल करते हैं आप? नहीं। फोन बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते आप? नहीं। फास्ट फूड नहीं खाते? फास्ट फूड के बड़े शौकीन हो गए आजकल, कभी पिज्जा बर्गर पास्ता ये सब खाया मन किया? नहीं, कभी भी नहीं। इंटरव्यू में बताते हैं कि वो सुबह 3:30 बजे अपने दिनचर्या की शुरुआत करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पहले माला जाप करते हैं, 4 बजे घर पर पूजा करते हैं, सुबह 6:30 बजे तुलसी पूजा परिक्रमा करके अपने घर में विराजमान बाल गोपाल को भोग लगाकर 7:30 बजे स्कूल जाते हैं। उनकी बातों में एक ऐसी छवि की झलक देने की कोशिश होती है जो मोह माया से दूर है। हर सवाल के जवाब में ज्यादातर राधा रानी का जिक्र करते हैं। देखिए, राधा रानी की कृपा है कि राधा रानी ने मुझे अपना भक्त बनाया। ये बात अलग है कि जिन यूट्यूबर्स को अभिनव ने कोर्ट में घसीटा है, वो अभिनव को लेकर कुछ विपरीत दावे करते हैं। उनका दावा है कि अभिनव दरअसल एक साधारण आम बच्चे की जिंदगी ही जीते हैं, लेकिन इंटरव्यू में उसके विपरीत छवि जो है वो गढ़ी जाती है। इन यूट्यूबर्स ने तो ये भी कहा कि अभिनव के पिता तरुण उन्हें जवाब रटवाते हैं, उन्हें कोई दिव्य ज्ञान की प्राप्ति नहीं है।
यूट्यूबर्स ने ऐसा कहा तो अभिनव कोर्ट गए, पुलिस कंप्लेंट की। ओनली देसी चैनल के अंकित पटेल समेत 7 यूट्यूबर्स को लपेट लिया और कहा कि जानबूझकर धार्मिक मान्यताओं का मजाक उड़ाने वाला और अभिनव को बदनाम कर धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले वीडियो बनाए गए। उस कंप्लेंट में ये तक कहा गया कि इस पूरे क्रम ने अभिनव को पूर्णतः पतन और परिवार को जान लेने की स्थिति में ला खड़ा कर दिया है। ये विवाद अभी खत्म ही नहीं हुआ था कि एक और विवाद सामने आ गया। राम भद्राचार्य जी के मंच पर अभिनव पहुंचे तो उन्हें जगत गुरु जी ने डांट दिया। हालांकि बाद में पता लगा कि ये वीडियो कुछ 1.5 साल पुराना है, लेकिन सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो ही गया। दरअसल वायरल वीडियो में अभिनव स्वामी राम भद्राचार्य जी के आसन के बेहद पास आकर डांस करने लगते हैं। इसी पर राम भद्राचार्य जी कहते हैं इसे नीचे कहो जाने के लिए, लेकिन दोबारा अभिनव ऐसी बात कर देते हैं तो राम भद्राचार्य जी कुछ तल्ख तेवरों में नजर आते हैं। कहते हैं कि आप पहले नीचे जाओ, मर्यादा है मेरी। राजा रामचंद्र भगवान की। आप पहले नीचे जाओ, इनको करो नीचे देने के लिए, पहले इनको मर्यादा है मेरी। चलो भाई। ये वीडियो वायरल हुई तो बतंगड़ बना। अभिनव का भी जवाब आया, कहा कि ये वीडियो पुराना है, लेकिन जैसे अपने बड़े अपने टीचर्स से बच्चों को डांट पड़ती है वैसे ही मुझे भी पड़ी, मैं श्री राम भद्राचार्य जी का आशीर्वाद मानता हूँ। ये भी दावा किया कि उस डांट के बाद राम भद्राचार्य जी ने अभिनव को अपने कक्ष में बुलाकर आशीर्वाद दिया था। जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी महाराज ने मुझे डांटा था और मेरा तो मानना है कि उनकी डांट में भी मैंने आशीर्वाद स्वरूप ही पाया और उसके बाद उन्होंने मुझे अपने रूम में बुला करके भी आशीर्वाद दिया था। ये बात अलग है कि जब राम भद्राचार्य जी से अभिनव की वायरल वीडियो को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कह दिया कि ये मूर्ख लड़का है। बस ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी कि इस बच्चे के नाम के आगे एक और विवाद जुड़ गया, लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकी का, जो हमने आपको शुरुआत में पूरी कहानी बताई। कभी गणपति से लिपट कर आपने इनकी फूट फूट कर रोने वाली वीडियो देखी होगी, तस्वीर देखी होगी, कभी डांस करते हुए वीडियो देखी होगी, लेकिन अभी फिलहाल अभिनव अरोड़ा चर्चा में इसलिए क्योंकि परिवार का दावा है कि उन्हें धमकी भरे कॉल्स आ रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से, ये दावा किया जा रहा है। आपका इस पूरी रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है आप कॉमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए न्यूज़ तक।